बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश की संसद भवन का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर विपक्ष विरोध करती है तो बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है सीएम नीतीश कुमार के नाम पर, क्या वह हटवा देंगे? तब मैं उनकी बात सुनने के लिए और उनके विरोध को स्वीकार करने को तैयार हूँ। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। नवादा के सांसद चंदन सिन्हा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। सांसद ने कहा कि नवादा के सदर अस्पताल के 80 डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। 41 में से मात्र 12 डॉक्टर सही से ड्यूटी करते हैं, बाकी डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग महीनों गायब रहते हैं, लेकिन इन डॉक्टरों के मनमानी पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह किया कि नवादा के सदर अस्पताल की जांच कराएं और मनमानी पर रोक लगाएं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को देखा और मरीजों से अस्पताल में 41 डॉक्टर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश की संसद भवन का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर विपक्ष विरोध करती है तो बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है सीएम नीतीश कुमार के नाम पर, क्या वह हटवा देंगे? तब मैं उनकी बात सुनने के लिए और उनके विरोध को स्वीकार करने को तैयार हूँ। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। नवादा के सांसद चंदन सिन्हा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। सांसद ने कहा कि नवादा के सदर अस्पताल के 80 डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। 41 में से मात्र 12 डॉक्टर सही से ड्यूटी करते हैं, बाकी डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग महीनों गायब रहते हैं, लेकिन इन डॉक्टरों के मनमानी पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह किया कि नवादा के सदर अस्पताल की जांच कराएं और मनमानी पर रोक लगाएं। किया इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को देखा और मरीजों से अस्पताल में 41 डॉक्टर